बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। आशियाने तबाह किए गए, बस्ती के बस्ती जला दिए गए, कई लोगों की बेरहमी से हत्या की गई, महिलाओं की आबरू को लूटा गया। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के धार्मिक चिन्हों के नामों निशान मिटाने की कोशिश तक की, मंदिरों को तोड़ा गया, पुजारियों पर हमले हुए। हिंदुओं के हौसले को तोड़ने के लिए बीते 20 दिनों में वो सब कुछ किया जो कट्टरपंथियों के बस में था। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं का हौसला नहीं टूटा, वो आज भी बांग्लादेश में रह रहे हैं। कट्टरपंथियों ने जिस मजहब के नाम पर हिंदुओं की जान ली, नफरत के जिन ठेकेदारों ने धर्म देखकर हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय उस मजहब और धर्म से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हम मानेंगे चार दिक में, हमारा ढाका का बाहर में जो बनना हुआ था, हम लोग अनुष्ठान शिथिल करेंगे। वो अनुष्ठान का हम खर्चे अध्यक्ष खर्च करेंगे, बात खर्च हम बन्ना दुर्गो तो इलाका में हम खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो बाढ़ पीड़ित तो सिर्फ हिंदुओं को खर्च करेंगे कि मुसलमान सब जात में, सब जाते शुद्ध हिंदू नहीं है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन हम सब लोग को दान करेंगे बन्ना दुर्गो तो असहाय मानुष को। ढाका में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का भी इंतजाम किया जा रहा है जो बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में भेजा जाएगा। सब हिंदू ये तक नहीं हुआ, हिंदू ऐसे ही होता है, वो सबके लिए करता है। देखिए हम 62 साल में हिंदू निर्यातन अभी भी चल रहा है, हम क्या करेंगे। जो सरकार आता है, जो सरकार चेंज होता है, हिंदू को ऊपर आक्रमण करता है। क्या के लिए हम की देश के शादी में हम लोग का बाप दादा की जिद्द नहीं करेंगे। दरअसल बांग्लादेश के कई इलाके बाढ़ जैसी त्रासदी झेल रहे हैं। बाढ़ में फंसने वाले अधिकतर आबादी मुसलमानों की ही है। जब मजहब के नाम पर बांग्लादेश में अत्याचार और बर्बरता का ये खेल खेला जा रहा था, उस वक्त किसी ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया। लेकिन प्राकृतिक संकट में फंसे बांग्लादेश को उन्हीं हिंदुओं से राहत की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार यही भगवाधारी वॉलंटियर बाढ़ के बीच उतरते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बाढ़ के बीच उन तक राहत पहुंचाते हैं। इस बार फिर तैयारी वही है, लेकिन हालात अलग हो गए हैं। हम लोगों का जो घर बारी, जो मंदिर भांगचूर हो रहा है, इसीलिए हालात दिल से हम अच्छे नहीं है, खुश नहीं है। बाहर घूमने में डर लगता है, सेफ्टी नहीं लगता। थोड़ा इस ड्रेस में थोड़ा फील होता है सिक्योरिटी, क्योंकि पूरा देश में अभी तक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए हम भी अनसिक्योर फील करता है। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही, बाढ़ पीड़ितों तक व्यापक राहत भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मंदिरों में हो रही ये तैयारी बता रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर भले ही टूट गए, लेकिन उनका हौसला अब भी बरकरार है। ढाका से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।